62 तिरसठ को ओरिजिनल फॉर्म में लाने की सबसे ज्यादा मुखालिफत मियाँ नवाज शरीफ ने, और आज सबसे पहले डंडा भी वो 62 तिरसठ का जो है तो वो मियाँ साहब के साथ। ANP के सरबरा असफंदियार वली खान बिलूर हाउस पिशावर में मीडिया से मुखातिब हुए तो न सिर्फ खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम किया बल्कि फरीकैन को भी तहमुल का मुजाहरा करने की तलकीन की। अंदरूनी हालात भी ऐसे हैं और बैरूनी भी, चूंकि चार में से तीन बॉर्डर्स पे कशीदगी है, तो इस कशीदगी में ये मुल्क एक और बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। असफंदियार वली ने कहा कि पानामा केस मंतकी अंजाम को पहुंच गया, विफाकी और सूबाई हुकूमतें अब असल मसाइल पर तवज्जो दें। अपील हमारी ये होगी सूबाई हुकूमत से भी और मरकजी हुकूमत से भी कि खुदारा अब तो उन मसलों पे तवज्जो दें जो असल इस मुल्क के अपने मसले हैं। ANP के सरबरा का कहना था कि 18वीं तरमीम के वक्त आर्टिकल 62 और 63 की असल हालत में बहाली की सबसे ज्यादा मुखालफत नवाज शरीफ ने की थी। असफंदियार वली का कहना था कि नवाज शरीफ से इख्तलाफात थे मगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ नहीं गए। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ इरफान मुसाजई, 92 न्यूज़, पिशावर।